आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैव अणु का अंतिम टॉपिक जो कि है वसा या लिपिड। जैव अणु का अंतिम टॉपिक है वसा या लिपिड। आज हमारा जैव अणु जो है वो समाप्त हो जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि वसा या लिपिड पढ़ने के पहले हमें पढ़ना पड़ेगा वसीयम, क्योंकि यहाँ पर वसा या लिपिड को बनाने के लिए वसीयम का नाम रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वसीयम। वसीयम क्या होते हैं? तो लंबी श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, ये इस तरीके से जैसे CH3, CH2, 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 15-16 कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनके एक सिरे पर कौन उपस्थित होता है? जिनके एक सिरे पर बंद COOH समूह होता है। लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनके एक सिरे पर बंद COOH समूह पाया जाता है उसे ही किस नाम से जाना जाता है? वसीय अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनके एक सिरे पर बंद COOH समूह होता है, ध्यान रखिएगा, वही हमारे लिए क्या कहलाते हैं? वसीय अम्ल कहलाते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनके एक सिरे पर, चाहे इस सिरे पर चाहे इस सिरे पर, बंद COOH समूह, तो वही हमारे लिए वसीय अम्ल होगा। वसीय अम्ल जो है वो 13, 14, 15, 16, 17, 18 लंबी कार्बन श्रृंखला वाले समूह होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता संतृप्त वसीय अम्ल और एक होता असंतृप्त वसीय अम्ल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर असंतृप्त वसीय अम्ल की। सबसे पहले असंतृप्त वसीय अम्ल की बात करेंगे। असंतृप्त क्या होता है? असंतृप्त मतलब समझ जाओ कि इसमें द्विबंध मौजूद है। असंतृप्त मतलब द्विबंध मौजूद, तो हम ध्यान रखना है यहाँ पर क्या होता है। ये ऐसे वसीय अम्ल होते हैं जिनमें कार्बन श्रृंखला, जिनमें कार्बन की जो लंबी श्रृंखला भी मैंने बनाई थी उसमें कम से कम एक और अधिक से अधिक जितने भी द्विबंध जो है वो हो सकते हैं। तो इसकी मुख्य बात है कि इसमें क्या पाए जाते हैं? द्विबंध पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि इनमें कार्बन श्रृंखला के बीच में कम से कम एक और अधिक से अधिक 2, 3, 4 जितने भी, लेकिन द्विबंध होंगे ही होंगे। असंतृप्त वसीय अम्ल ऐसे वसीय अम्ल होते हैं जिनमें द्विबंध पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है इसका बेस्ट उदाहरण है तेल, चाहे मूंगफली का तेल हो, सरसों का तेल हो, बिनौले का तेल हो, ठीक ना, या फिर मछली के यकृत से प्राप्त हुआ तेल हो, ठीक ना, तो वो सारे प्रकार के तेल इसी के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा वनस्पति घी, मतलब जो डालडा होता है वनस्पति घी, वो भी असंतृप्त वसीय अम्ल के अंतर्गत आता है। और इनकी खास बात यह है कि ये सामान्य ताप पर क्या होते हैं? द्रव। ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तेल आप जानते हैं लिक्विड अवस्था में होता है। फिर इसके अलावा हम बात करेंगे संतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, इनमें कार्बन श्रृंखला में कहीं पर भी द्विबंध नहीं मिलेगा। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि असंतृप्त में द्विबंध होता है, असंतृप्त मतलब द्विबंध है और संतृप्त मतलब इसमें द्विबंध नहीं होता, ठीक। और ध्यान रखना है कि ये कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण शुद्ध देसी घी। जो शुद्ध देसी घी होता है वो कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये वसीय अम्ल है कि लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनके एक सिरे पर बंद COOH समूह हो, वो हमारे लिए क्या होगा? वसीय अम्ल होगा। दो प्रकार के होते हैं, असंतृप्त जिनमें क्या उपस्थित हो? द्विबंध उपस्थित हो, और संतृप्त जिनमें द्विबंध न हो। असंतृप्त जो है वो द्रव अवस्था में होगा, संतृप्त जो है वो ठोस अवस्था में होगा कमरे के ताप पर, इस बात को ध्यान रखना है। अब चलते हैं वसा या लिपिड को समझने के लिए। इनकी परिभाषा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वसा या लिपिड रासायनिक दृष्टि से ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के बने एस्टर, ध्यान रखना क्या? एस्टर। रासायनिक दृष्टि से ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के बने जो एस्टर है वही हमारे लिए क्या कहलाते हैं? वसा या लिपिड कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, दूसरी परिभाषा यह है कि ये वसीय अम्लों के क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड होते हैं। क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड। इस बात को ध्यान रखना है कि वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड क्या कहलाते हैं? या तो वसा या तो लिपिड। वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अपने को ध्यान रखना है कि ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के बने एस्टर क्या कहलाते हैं? वसा या लिपिड कहलाते हैं। इन्हें वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हमें वसा को बनाना होता तो उसके लिए हम वसीय अम्ल के तीन अणु यूज करते हैं। वसीय अम्ल के तीन अणुओं को ये लिख दिया मैंने, वसीय अम्ल तीन अणु है और ये ग्लिसरॉल का एक अणु है। तो जब वसीय अम्ल के तीन अणु ग्लिसरॉल के एक अणु से संयुक्त होते हैं तो इनके बीच से जल के अणु निकल जाते हैं, H2O, 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 तीन H2O यहाँ से निकल जाएंगे, तीन H2O, और इस तरह से यहाँ से तीन H2O के निकलने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा? एस्टर। ये देखिए एस्टर समूह बना हुआ है, और इस प्रकार
वसा के वसी अम्ल के तीन अणु ग्लिसरॉल के एक अणु से जुड़ेंगे, इसलिए इसे कहा जाता है ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है, ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। तो वसा जो है वो वसी अम्लों के बने हुए ट्राइग्लिसराइड, ध्यान रखना ट्राइग्लिसराइड। तो इस तरह से वसी अम्ल के तीन अणु ग्लिसरॉल के एक अणु से जुड़ते हैं, H2O यहाँ से निकलता है और इस तरह से ये बन जाता है वसा। ठीक, हमारे शरीर में वसा का जो मुख्य उपयोग वो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ध्यान रखिएगा, हमारी सामान्य ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त हो जाती है, ठीक है, कभी कभी प्रोटीन भी हमें ऊर्जा देता है, लेकिन इसके अलावा ऊर्जा की जो ज़्यादा मात्रा, जब कभी हम भारी काम या कसरत करते हैं उस समय ऊर्जा की आपूर्ति हमें वसा के माध्यम से होगी। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें वसा से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 ऊर्जा किलो कैलोरी मिलती है, इससे 5 समथिंग किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, लेकिन वसा से लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो हमें प्राप्त होती है एक मोल से। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो वसा से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से सबसे कम मिलती है, ठीक, और वसा से सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक, तो ये अपने को ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, जो मैंने क्वेश्चन निशान लगाया अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और फिर उसके बाद प्रश्न यहाँ से वसा के प्रकार, वसा तीन प्रकार की होती है, सरल वसा, संयुक्त वसा और व्युत्पन्न वसा। तो सरल वसा की विशेषता क्या है कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल आपस में मिलकर जो क्या बनाते हैं, वसा बनाते हैं, वो सरल वसा होती है। तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के एस्टर जो है वो सरल वसा, जैसे ये जो मैंने बनाया है सरल वसा। ठीक, तो ध्यान रखना इसके उदाहरण क्या है, मोनोग्लिसरॉइड मतलब एक वसीय अम्ल और एक ग्लिसरॉल, डाइग्लिसरॉइड दो वसीय अम्ल एक ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसरॉइड तीन वसीय अम्ल एक ग्लिसरॉल। ठीक, और इसके अलावा सबसे बेस्ट उदाहरण है मोम, चाहे वो प्रकृति से मिला हुआ मोम हो चाहे कृत्रिम रूप से बनाया गया मोम हो, वो क्या है सरल वसा का एक प्रकार। फिर इसके बाद करते हैं गैर आईएमपी संयुक्त वसा। संयुक्त वसा की विशेषता क्या है, इसमें वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के साथ अन्य समूह भी उपस्थित होता है, वो दूसरा वो जो समूह तीसरा समूह है वो कुछ भी हो सकता है, वो फास्फेट समूह हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है, वो प्रोटीन हो सकता है, तो तीसरा समूह जो कुछ भी हो सकता है। तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के साथ एक अन्य समूह जो है वो आपस में जुड़ करके क्या बनाता है संयुक्त वसा। जैसे बढ़िया उदाहरण है फास्फोलिपिड, इसमें लिपिड के साथ फास्फेट समूह होता है। ठीक, और इसके बहुत बढ़िया उदाहरण है जो नीट में पूछे जा चुके हैं लेसिथिन, उससे पहले तो लेसिथिन पूछा जा चुका है, लेसिथिन क्या है, तो लेसिथिन फास्फोलिपिड संयुक्त वसा, ध्यान रखना। इसी प्रकार से ग्लाइकोलिपिड, इसमें लिपिड के साथ क्या होता है कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, ये मनुष्य शरीर में मस्तिष्क में मुख्य रूप से पाया जाता है। सल्फोलिपिड, इसमें लिपिड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक, ध्यान रखना ये भी ग्लाइकोलिपिड के ही जैसा होता है। फिर इसके बाद लिपोप्रोटीन, यहाँ पर लिपिड के साथ प्रोटीन होता है, मतलब वसा के साथ प्रोटीन होता है, ये हमारी कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक है, अपन पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये हो जाती है संयुक्त वसा, जिसमें लिपिड अर्थात वसा के साथ अन्य समूह भी मौजूद होगा। ठीक है, और उसके बाद अब चलते हैं व्युत्पन्न वसा की। व्युत्पन्न वसा क्या होगी, तो ध्यान रखना है सरल और संयुक्त लिपिड के अपघटन से जो लिपिड बनते हैं, सरल और संयुक्त लिपिड के अपघटन से जो पदार्थ बनते हैं वो हमारे लिए व्युत्पन्न वसा होते हैं। और इसमें कुछ बेस्ट उदाहरण है स्टीरॉइड और कोलेस्ट्रॉल। स्टीरॉइड मुख्यतः जो है वो हार्मोन्स को बनाने में यूज किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये नर हार्मोन, ये मादा हार्मोन, तो ये जो हार्मोन है ये स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं, नाम ध्यान रखना। ठीक, स्टीरॉइड का बढ़िया उदाहरण टेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। कैरोटीनॉइड वर्णक जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, ये भी व्युत्पन्न वसा का उदाहरण। कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर में बनता है, ठीक है ना, और हमारे लिए घातक होता है, ये भी एक व्युत्पन्न लिपिड का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जब भी ये वसाएं हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं और टूटती हैं, तो इनके टूटने से क्या बनता है कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में, अर्थात व्युत्पन्न वसा बनती है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर ये हो जाता है वसा और लिपिड का चैप्टर। ठीक है, इसके अब जैव अणु पूरा समाप्त हो गया है, तो आपका काम है कि आप जैव अणु जिस भी अध्याय में दिया हो, चाहे बायोलॉजी में हो, केमिस्ट्री, वैसे तो केमिस्ट्री का है तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन वसीय अम्ल जो मैं बता दूँ केमिस्ट्री में नहीं, तो इसको आपको कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, यदि एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने हैं और, तो इसको आपको देखना पड़ेगा बायोलॉजी वाली बुक से, 11वीं में ये चैप्टर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाता है वो भी।